हेलो दोस्तों, कैसे हो? मजे में? या मजे में चाहिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर सिस्टर्स, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो। तो दोस्तों, सरदार जी आज आ गए हैं कुमार नमकीन भंडार। तो यहाँ पे बहुत स्पेशल तरीके से प्रिपरेशन होता है बेसन की पापड़ी का विद चटनी और कचौड़ी का विद चटनी। और इनका जो बनाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है दोस्तों। कचौड़ी को पहले तोड़ते हैं, उसके अंदर गुजिया डालते हैं, फिर चटनी डालते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से पापड़ी बनाते हैं और कचौड़ी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या बात है सर, आप तो पहले से हिट हो। तो हम इनको प्यार से भी कुमार जी बोलेंगे। तो कुमार साहब, थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ कि ये जो चटनी है, बड़ी मतलब अंदर से जानने की जिज्ञासा हो रही है कि ये चॉकलेट तो नहीं डालते कहीं इसमें? नहीं नहीं, चॉकलेट नहीं है। हाँ जी, ये अनारदाना पिसा हुआ होता है ना। अच्छा जी। उस पिसे हुए अनारदाने की बनी हुई है, और जैसे नमक मिर्च वगैरह जो और पड़ते हैं उसमें। हाँ जी हाँ जी। वैसे मेन बेस अनारदाना है। अच्छा, मेन बेस अनारदाना ही है। अच्छा अच्छा, बाकी सब इसमें मसाले हैं। तो और साथ में जो ये अपनी हरी मिर्ची है, तो इसको तवे पे भुना होता थोड़ा? हाँ जी, इसको फ्राई किया हुआ है और फ्राई करके बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली ये ट्रेडिशनल डिश है कहाँ की ये वाली जो चटनी है? ये सिंधी डिश है जी, सिंधी पापड़ी चटनी। अच्छा, मशहूर है? यस। क्या बात है। तो मतलब कह सकते हैं कि ये सिंधी डिशेज है बेसिकली। जी जी, है पापड़ी और चटनी और ये है जी। तो ये कितना पुराना काम है आपका? ये हमारा 50 साल पुराना काम है। 50 साल पुराना काम? हाँ जी। मतलब आपके दादाजी पापा ही ने शुरू किया? हाँ जी, पापा जी ने किया था। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने सुना आपका नाम कहीं अखबार में भी आया था एक बार। हाँ, वो क्या हुआ था जी, थोड़ा सा बताएंगे? वो अखबार वाले भी आए थे, नव भारत टाइम वाले। अच्छा जी। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था। अच्छा। तो उन्होंने पूरी हमारी ऐड आई थी उसके अंदर, तो पूरा लिखा था आपने? लिखा हुआ है पूरा उसमें। तो मतलब बहुत बढ़िया लगता है कि जब आप एक अच्छा काम करते हैं और लोगों से सराहना मिलती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो थोड़ा सा कचौड़ी के बारे में बताइए कि कचौड़ी जो प्रिपरेशन आप करते हैं उसके अंदर जो ये तो डालते हो अभी, वैसे उसमें क्या मतलब मसाला डालते हो? हमारी कचौड़ी होती है ना, उसमें बेसन की पिठी होती है। अच्छा। हाँ, और स्पेशल मसाले होते हैं उसमें, और उसके अंदर कचौड़ी में फिलिंग बहुत टेस्टी होती है हमारी। ऑलरेडी अगर आप वैसे रूखी कचौड़ी भी खाओगे तो भी अच्छी लगेगी आपको। ओके। और फिर हम लोग तोड़ के उसमें भुजिया भरते हैं, फिर उसमें अनारदाने की चटनी डालते हैं, ठीक है, और फिर हरी मिर्च डालते हैं उसमें। ओके। हम उस तरह से आप सर्व करके देते हैं जी। क्या बात है। और पापड़ी किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं? पापड़ी क्रिस्प रहती है जो है? हाँ जी हाँ जी, बेसन की पापड़ी होती है, उसके ऊपर भी यही चटनी मसाला चटनी और हरी मिर्ची डाल के देते हैं हम लोग। हरी मिर्च डाल देते हैं। हाँ जी हाँ जी। और ये जो है अपनी समोसियाँ जो है कि ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, समोसे बोल रहे हो, छोटी छोटी सी है, तो इसमें क्या प्रिपरेशन है थोड़ी? इसके अंदर मटर समोसा है ये। अच्छा, बेसिकली मटर समोसा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ये इसके अंदर मटर की फिलिंग है। अच्छा जी। ग्रीन मटर होते हैं जो। ओके ओके। और मसाला होता है, बहुत टेस्टी होता है, अलग ही टेस्ट होता है। तो इसको भी आप उसको? हाँ जी, मतलब इस चटनी में जो प्रिपरेशन करके देते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी, आपने थोड़ा टाइम दिया हमारे लिए। तो अब आप हमें ये थोड़ा थोड़ा लगा के दिखाइए कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं इसकी, और किस तरह से टेस्ट आता है, हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम समोसा ट्राई करेंगे जो कि मटर वाला है। जैसा स्वाद भैया ने बताया था बिल्कुल वैसा मिला हमें। वाह यार, मटर बहुत बढ़िया। और ये पापड़ी तो यार बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को। तो भाई, पापड़ी इतनी मस्त लगी दोस्तों खाने में, मज़ा आ गया। मस्ट ट्राई फॉर पापड़ी, 10 रुपये में ये खट्टा मीठा स्वाद मिर्च के साथ, मज़ा ही आ जाएगा यार। और यार ये जो चीज़ है ना, लाइक गुजराती फाफड़ा, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो फाफड़ा क्या क्रंच है भाई, और काली मिर्च का क्या स्वाद आ रहा है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार। ये चीज़ तो मुझे और भी अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगा। और अब दोस्तों, जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, और ये जो टेम्पटिंग सी कचौड़ी है प्रॉपर, उसके लिए तो कचौड़ी खानी है भाई। तो भाई, कचौड़ी को पीस करते हैं दो लाइक किस तरह से, तो ट्राई करते हैं। तू खाएगा? ये ले।
वाओ भाई मस्ट ट्राई दिस कचौड़ी। और आपको सबसे अच्छा क्या लगा इनमें से? अच्छा तो ये लगा कचौड़ी। तो दोस्तों मेरा ही बेटा है तो सबसे बढ़िया मुझे भी यहाँ पे जो है कि जो कहते हैं ना कि एक 1 2 3 तो होता ही है दोस्तों। चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं बट मेरी नंबर वन जो है यहाँ पे वो एक कचौड़ी है। बहुत बढ़िया लगी है कचौड़ी। इसके अंदर जो प्रिपरेशन है इसकी एकदम मस्त है क्वालिटी और हर चीज़। और दूसरे नंबर पे मेरी आती है पकौड़ी और उसके बाद फाफड़ा और जेठला। सब ओके रिपोर्ट है भाई। यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पुल बंगश पड़ता है। वहाँ से नीचे उतर के जिसको मर्जी आज़ाद मार्केट पूछिए। आज़ाद मार्केट में अंदर करते राइट साइड पे आपको तीसरी चौथी दुकान मिल जाएगी, कुमार नमकीन भंडार। तो आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए और हमें बताना ज़रूर। तो भाई कस्टमर का टाइम हो गया, यहाँ पे मेरी तार आ रही है माइक की तो ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे आके बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी चटनी। तो भाई चले फिर, चलो मजा आया। क्या बात है। चलो वही ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको किसी नई डेस्टिनेशन पे दिल्ली में। इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। नमस्कार।